हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम स्टडी करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर है, मीन्स अगर हम देखेंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो साउंड पे इफेक्ट करेंगे, या विंड होगा। ठीक है, विंड आया तो उसकी वजह से साउंड का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर से साउंड ट्रेवल करता है तो बहुत सारे फैक्टर वहां अफेक्ट होते हैं। तो हम इस टॉपिक में जनरली सीखने वाले तीन फैक्टर के बारे में। पहला एक है प्रेशर। अगर प्रेशर चेंज होता है सो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगा कि नहीं। सेकेंड टेम्परेचर, एंड थर्ड ह्यूमिडिटी। तो ये तीन फैक्टर हम स्टडी करने वाले हैं। अगर प्रेशर में चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंज होगा कि नहीं, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंज होगा कि नहीं, और ह्यूमिडिटी में चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड वेरी करेगा कि नहीं, कि ये हम स्टडी करने वाले। और लास्ट टाइम जो हमने लैपलास करेक्शन यूज किया था उसमें जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, V इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट गामा पी बाय रो। यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले इन तीनों के लिए। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड की वेलोसिटी पे प्रेशर क्या कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू लैपलास लैपलास ने हमें क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू लैपलास फॉर्मूला क्या है? लैपलास फॉर्मूला क्या कहता है हमें? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। करेक्ट है, इफ एम एंड वी इज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। सपोज हम मानते हैं कि इफ कैपिटल एम इज मास of air and V is a volume of air। ये समझ में आ गया? मास ऑफ एयर है m, कैपिटल m एंड v। देन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? देन डेंसिटी देन डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो अब ये फॉर्मूला यहां पुट करो तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर वी इज इक्वल टू गामा पी, रो की जगह क्या डालेंगे हम? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? गामा पी वी अपॉन एम, गामा पी वी अपॉन एम, बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हमें पता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? ये बॉयल्स लॉ, हमने स्टडी किया है केमिस्ट्री में, आपने स्टडी किया होगा बॉयल्स लॉ, फिजिक्स में भी है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, हेंस वी कॉन्स्टेंट, वी क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, हेंस वी कॉन्स्टेंट। तो अगर प्रेशर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो पीवी कॉन्स्टेंट रहता। अगर पीवी तो प्रेशर में कितना भी चेंज आए, प्रेशर में कितना भी चेंज आए उस हिसाब से वॉल्यूम चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
या फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वी नो दैट PV इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो अब हम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV चेंज ही नहीं होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो हम PV की जगह nRT लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट nRT, यहाँ गामा भी आएगा, गामा nRT बाय m। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी। तो प्रेशर कितना भी चेंज हो, प्रेशर कितना भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज नहीं होती। तो प्रेशर का वेलोसिटी पे इफेक्ट या साउंड पे इफेक्ट नहीं होता, साउंड वेव पे इफेक्ट नहीं होता। तो हेंस क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, याद रखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहला हमारा फैक्टर हो गया प्रेशर पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट अब हम स्टडी करने वाले हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, ये हमें पता लगाना है। अब टेम्परेचर है, इसलिए हमने जो अभी अभी फॉर्मूला फाइंड किया एनआरटी वाला, वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से गामा वाला नहीं यूज करते। तो वी जीरो एंड वी, अब हम मानते वी जीरो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी जीरो एंड वी स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी। तो वी जीरो हमने कंसिडर किया टेम्परेचर टी जीरो एंड वी स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी। लेट रो जीरो डेंसिटी एट टेम्परेचर टी जीरो एंड रो इज डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, ये भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। क्या था फॉर्मूला हमारा, V इज इक्वल टू, या V जीरो, पहले V जीरो के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, V जीरो इज इक्वल टू गामा एन आर टी, गामा एन, एन को हटा देते हैं, क्यों बताता हूँ, गामा एन आर टी जीरो डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कैपिटल N, N इज इक्वल टू वन, N इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि हम वन मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वन मोल। सो M इज अ मोलार मास, M क्या होगा, मोलार मास, तो मास हम मोलार मास में ले रहे हैं और n का वैल्यू तब हम वन ले रहे हैं। ठीक है, देन v इज इक्वल टू, v का फॉर्मूला भी सेम होगा, क्या होगा, गामा आर टी डिवाइडेड बाय m, डिवाइडेड बाय m। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो कैसे डिवाइड करेंगे, v डिवाइडेड बाय v जीरो इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v जीरो, v का फॉर्मूला गामा आर टी अपॉन एम, अपॉन एम डिवाइडेड बाय आर, गामा आर टी जीरो डिवाइडेड बाय एम। तो इसमें से ये कट जाएगा और बचा क्या हमारा, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय टी जीरो, टी डिवाइडेड बाय टी जीरो। तो ये क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा मैंने, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ये समझ में आ गया, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है,
पिछले वाला ये, इसके आगे हम चलते हैं। हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया, ये यहां तक समझ में आ गया, v अपॉन v जीरो इज इक्वल टू t अपॉन t जीरो, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं कि t जीरो ये जो टेम्परेचर है हमारा 273 डिग्री केल्विन है, मीन्स अगर हम सॉरी केल्विन है, अगर हम इसको केल्विन में लेते कि 273 केल्विन में, तो t हमारा टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज t प्लस 273, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, जो भी टेम्परेचर, अगर ये 27 होगा, ठीक है, t जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर उससे ग्रेटर है, टी टेम्परेचर उससे ग्रेटर है, मीन्स अगर वन होगा तो 1 + 273 करना होगा, अगर 2 होगा तो 2 + T 70, तो हमने माना कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी प्लस 273, ये समझ में आ गया। तो अब हमने टी का वैल्यू कितना ले लिया है, टी प्लस 273 और टी जीरो का वैल्यू 273, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा, आप वी अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू होगा टी प्लस 273, ये पहले 273 लेते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट पहले लेते हैं, 273 प्लस टी, और टी जीरो का वैल्यू क्या था, 273, करेक्ट है, ये हमने पुट कर दिया, ठीक, कैपिटल टी का वैल्यू 273 प्लस टी और टी जीरो का वैल्यू 273। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी अपॉन 273, 273 क्लियर कट हो गया, तो बचा क्या, v अपॉन v जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + T अपॉन 273। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम एक इजी कर लेते हैं उसको, क्या करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 upon 273, अब 1 upon 273 की जगह हम क्या पुट करते हैं, अल्फा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, v अपॉन v जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + αt, 1 + αt, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + αt^2 अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब अल्फा देखो, अल्फा क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, तो जब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें स्क्वायर टर्म आएंगे, क्यूब टर्म आएंगे, तो ये छोटा है, छोटे टर्म का अगर हम स्क्वायर करते जाते तो और छोटा होता है, जैसे 0.1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0, अगर क्यूब करेंगे तो छोटा, तो छोटे नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो छोटे होते, तो वो हम मीन्स वो नंबर लेके कुछ फायदा नहीं है, तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करते तो बड़े, अल्फा का वैल्यू छोटा है तो बड़े जो फैक्टर है उसको हम निगलेक्ट करते, तो अब वैल्यू क्या आएगा हमारा, v अपॉन v जीरो, इसको एक्सपेंशन करते, इसको एक्सपेंशन करके हमारे पास वैल्यू आएगा 1 + 1/2 αt, ये याद रखना, एक्सपेंशन हाफ आगे लेके आना है, बस इतना याद रख, ये समझ में आ गया, ओके, इसको हम इस तरह से एक्सपेंशन से लिख सकते हैं। अब हम अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन v जीरो इज इक्वल टू 1 + 1/2 αt का वैल्यू 273 × t, तो ये क्या हो जाएगा, v यहां रखते v जीरो यहां लेके जाते हैं इन ब्रैकेट 1 + इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, t अपॉन 2546, क्या आया 546, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 546 आएगा। ठीक है, अब 546, सो v इज इक्वल टू, अब v से मल्टीप्लाई कर दो, v0 into 1 v0 plus, यहां होगा v0 546 into t, बट v0 का वैल्यू हमें पता है, एट नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 332 m/s, ये हमें पता है, एट एनटीपी हमें पता है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू v0, यहां पुट करके कुछ फायदा नहीं, इसलिए ऐसे ही रखा, इसका भी वैल्यू 332 ही है। अब 332 डिवाइडेड बाय 546 इनटू t, अब डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू v0
प्लस 0.61 इंटू टी, 0.61 इंटू टी। तो हमारा ये फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू v जीरो प्लस 0.61 इंटू टी। इसका मीनिंग क्या है, वेर टी इज अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 1 होगा, देखो v जीरो का वैल्यू तो हमें पता है कितना है 332, तो देखो क्या होगा अगर टेम्परेचर 0 होगा, टेम्परेचर 0 होगा तो v इज इक्वल टू v जीरो दैट इज 332, करेक्ट है, एनटीपी पे यही वैल्यू है 0 डिग्री पे। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री होगा, फॉर 1 डिग्री, और टी इज इक्वल टू कितना है, टी इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब मैं आगे लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू v जीरो प्लस 0.61 टी। तो अगर t का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में v इज इक्वल टू v जीरो होगा, और v जीरो का वैल्यू कितना है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर t का वैल्यू 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, तो v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू v जीरो प्लस 0.61, तो 632.06 तो 0.61 से बढ़ रहा है। अगर 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री सेल्सियस, तो v इज इक्वल टू v जीरो प्लस 0.61 इंटू टू, दैट इज v जीरो प्लस कितना होगा 1.22, दैट इज 333.22। तो और 0.6, तो जैसे जैसे एक एक डिग्री बढ़ेगा 0.61 से वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 0.61 से वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एक डिग्री इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वैल्यू भी 0.61 से बढ़ता है, ये याद रखना, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे जैसे 1 डिग्री माने 3 टाइम्स ऑफ, अगर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 3 टाइम्स ऑफ 0.61 हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अब इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हम स्टडी करते हैं। अब ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, दैट इज मॉइस्चर कंटेन इन एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर इन एयर, एयर के, एयर में कितना मॉइस्चर, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब सपोज रो एम एंड रो डी इज डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एंड डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो रो जीरो, रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, और रो डी क्या है, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, एंड वी एम एंड वी डी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एंड ड्राई एयर। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमने लैपलास का फॉर्मूला तो स्टडी किया है, लैपलास फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तो लैपलास का फॉर्मूला हमें कहता है v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाय रो। अब यही फॉर्मूला में मॉइस्ट एयर के लिए लिखता है, तो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर, डेंसिटी इन मॉइस्ट एयर, सेम में ड्राई एयर के लिए लिखता हूं फॉर्मूला, अंडर रूट गामा p फॉर ड्राई एयर। अब अगर हम डेंसिटी के बारे में मीन्स इन दो फॉर्मूला को डिवाइड करते हैं, अगर इन दो फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉमन टर्म कट जाएगा, ओके, कॉमन टर्म कट जाएगा,
और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस ड्राई डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ऊपर आ जाएगी और डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर नीचे चला जाएगा. सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ऐसा होगा. अब देखो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ड्राई एयर की ज्यादा होगी या मॉइस्ट एयर की? तो याद रखो हमेशा डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा होती है कंपेयर टू मॉइस्ट एयर. डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा होती है, तो अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो मॉइस्ट एयर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड कम या वेलोसिटी कम. तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इन ड्राई एयर इज लेस देन वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर, जिसकी डेंसिटी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखो मॉइस्ट मॉइस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी घटेगी, तो ड्राई एयर की वेलोसिटी घटेगी और मॉइस्ट एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. ये समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, तो यहां हमारा लेक्चर हम स्टॉप करते हैं.